एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में आरोपियों से ब्राह्मण नशीले पदार्थों को जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की उपस्थिति में पुलिस लाइन हमीरपुर में नष्ट कर दिया गया। ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन और अन्य सदस्यों ने नियमानुसार 2 किलो 330 ग्राम चरस और 1 किलो 860 ग्राम भुक्की को नष्ट करने की अनुमति प्रदान की। कमेटी की अनुमति के बाद इन नशीले पदार्थों को आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया। हमीरपुर के थाना प्रभारी संजीव गौतम ने बताया कि ये नशीले पदार्थ 14 केसों में बरामद किए गए थे। इन केसों का अदालत से निर्णय आने के बाद नशीले पदार्थों को निर्धारित नियमों के तहत नष्ट कर दिया गया। गौतम ने बताया कि नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है। इस अभियान को सफल बनाने तथा नशे को पूरी तरह खत्म करने के लिए आम जनता का सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशे की तस्करी की सूचना देने वाले लोगों का नाम हमेशा गुप्त रखा जाता है, इसलिए आम लोग अपने अपने क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के तस्करों पर नजर रखें और किसी भी भय के बिना इनकी सूचना पुलिस को दें। आज कोर्ट द्वारा जो डिसाइडेड केसेस थे तो उसमें टोटल 14 केसेस थे जिनके कोर्ट द्वारा जो डिसाइडेड थे और जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर हो गए थे। ये ड्रग डिस्पोजल कमेटी जिसके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अध्यक्ष हैं उसकी निगरानी में आज इन 14 केसेस की केस प्रॉपर्टी का निपटारा किया गया। इसमें कुल 2 किलो 330 ग्राम चरस और 1 किलो 860 ग्राम भुक्की जिसको पॉपी हस्क बोलते हैं इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसके पीछे जो मंशा है वो है इस तरह की जो ये प्रॉपर्टी है केस प्रॉपर्टी है ये क्योंकि सेंसिटिव नेचर की होती है इसमें थेफ्ट और इसकी रिप्लेसमेंट इस तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं तो इसमें कोर्ट और पुलिस जो है हर संभव और हर मुमकिन जो कदम है वो इसकी सेफ डिस्पोजल के लिए उठाती है और उसी कड़ी में आज कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में इसकी डिस्पोजल किया गया है और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो विभिन्न अथॉरिटीज़ को भेजी जाएगी। इसमें दो तरह के प्रावधान हैं। एक तो है कि इसमें जैसे केस प्रॉपर्टी केस जब डिसाइड हो गया उसमें डिसीजन हो जाता है कोर्ट का। एक इसमें एक और तरह का प्रोविज़न है 52A NDPS एक्ट में एक प्रोविज़न है जिसमें जब हम केस प्रॉपर्टी पकड़ते हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ड्रॉ करके एज पर दी प्रोसीजर लेड डाउन इन 52A NDPS एक्ट उसमें ट्रायल के दौरान ही इसका डिस्पोजल कर दिया जाता है और उसमें भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिए हैं और इसमें भी कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र ही इसके भी डिस्पोजल किया जाएगा।